दणिक है और आत्मा एक नित्य है आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है ज्ञान मात्र है मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हो प्रति समय यह जागृति बनी रहे इस जागृति का नाम धर्म है देह की क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बेहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व में हूं पर देह में तो मिला नहीं हूं अपने देह में भी मिला नहीं हूं अराय जीवों में उत्पन्न होने वाले रागादि विकल्पों से मेरा कोई नाता नहीं है साथ ही अपने में उत्पन्न होने वाले रागादि विकल्पों से मेरा कोई नाता नहीं है यद्यपि पराए के राग द्वेष अजीव तत्व है और निज आत्मा में उत्पन्न होने वाले द्वेष आश्रव तत्व है नगर जीव तत्व अजीव से भी न्यारा है और आश्रव से भी न्यारा है पराये भावों से भी न्यारा है पर भावों से न्यारा है यह जीव तत्व ज्ञान मात्र है चैतन्य मात्र है यही मैं हूं स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होते ही अब ये किसी से पूछना नहीं पड़ता कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है अनुभव होते ही समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है समस्त शंकाओं का समाधान नहीं होता शंकाओं का आवरण गिर जाता है और समाधान स्वरूप न्यायक देव व्यक्त होता है निर्विकल्प अनुभूति में देह भूतकाल हो गया है कभी था इस देह से नाता कभी था मैं देह तारी कभी था मेरा जन्म मरण कभी था अनंत दुख कभी था संसार परिभ्रमण अब वर्तमान में नहीं है यह तो कहने की बात है असली राज यह है कि अनुभूति होते ही देह भूतकाल नहीं होता अनुभूति होते ही उस अनुभूति में देह ही नहीं होता क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में न वर्तमान है न भूत है न भवी है तीन में से किसी भी काल के भेद नहीं है और जो त्रिकाल है वह भी विकल्प से अनुभव में नहीं आता वह भी सत्ता स्वरूप है ऐसा प्रतीत होता है त्रिकाल जो ध्रुव सत्ता है इस सत्ता का अंतर में इस प्रकार से अनुभव होता है कि स्वयं ही मैं ही नित्य ध्रुव हूं ऐसा अभेद परिणमन होता है मैं नित्य ध्रुव हूं अपर्यायी व्यस्त हो गई है ध्रुव के साथ पर्यायी मस्त हो गई है ध्रुव के साथ अब जैसा भी है देह जैसा भी है विकल्प अब उसमें विशेषों में जाने से लाभ क्या है अपना तत्व पा लिया फिर उन विशेषों में जाने से क्या लाभ है मंदिर जाते हैं मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने जूते चप्पल को पहन लेते हैं और भी जूते चप्पल वहां रखे हैं मगर उनकी और फिर नजर करके टकटकी लगा करके देखते नहीं है लोग समझेंगे क्या इरादा है चोरी करना है क्योंकि अपना मिल गया अब फिर वहां देखने जैसा कुछ भी नहीं है ऐसे ही यह ज्ञान जो अंतर में अनुभव में आया है उसके बाद देह के परमाणु हो कुर्सी के परमाणु हो खिड़की दरवाजे दीवार इन सब परमाणु हो इन सभी परमाणुओं में अब विभाजन करने से लाभ क्या है उनकी और ऐसे ही दृष्टि नहीं जाती और यात्रा शुरू हो जाती है वे जो जूते चप्पल जो पराये के थे वही पड़े रहे हैं और ये व्यक्ति यात्रा शुरू कर देता है अपना था वह मिल गया उसके बिना चलना मुश्किल था उसके बिना यात्रा नहीं हो सकती थी ऐसे ही अंतर में ज्ञान की एक समय की अनुभूति होते ही एक समय में यात्रा शुरू हो गई यही आध्यात्मिक यात्रा है यही अंतर की ज्ञान के वेदन के साथ ज्ञान की स्पर्शना के साथ ज्ञान के अनुभव के साथ और उछलते आनंद के सागर के साथ यह मंगल यात्रा शुरू होती है और वहां दृष्टि इन परमाणुओं पर होती ही नहीं क्योंकि परमाणु वहां अनुभव में नहीं आए यही तो महिमा है ज्ञान की पर को जाना तो इंद्रियों के निमित्त की जरूरत पड़ी जहां पर को जानना ही नहीं जहां ज्ञान से ही ज्ञान अनुभव में आता है वहां पता ही नहीं है कि इस देह में क्या हो रहा है यही ज्ञान और अंतर में ज्ञान अंतर में ज्ञान अंतर में ज्ञान तुम साथ साथ में यात्रा करो सुनते हुए उसका भाव ग्रहण करो यह जो ज्ञान है ये अंतर ही अंतर में परिणमित हो रहा है और अंदर ही अंदर परिणमित होने के लिए उसे किसी बाहर के साधन की जरूरत क्या है जब मुझे एक कमरे में से उसी कमरे में ही यात्रा करनी है कमरे में से कमरे में ही यात्रा करनी हो तो गैरेज में पड़ी हुई जो गाड़ी है रास्ते पर चलती हुई जो गाड़ियां हैं, उनकी क्या जरूरत है क्योंकि यहां यात्रा पैदल होती है पैरों से यात्रा होती है तो गाड़ी की जरूरत क्या है ऐसे ही अंतर में ये देख कि जो ज्ञान की यात्रा है वह अंतर की यात्रा है और अंतर की ही अंतर की यात्रा हो तो फिर देह की गाड़ी की ओर ध्यान नहीं जाता इतना अलिप्त हो जाएगा इतना अस्पृश्य अपने को अनुभव करेगा ऐसा अबद्ध अस्पृष्ट भगवान आत्मा तो अनुभव करेगा कि देह होता ही नहीं है देह होता ही नहीं है इस मामले में एक बार एकांतवादी हो जाना क्योंकि यह मार्ग तो सम्यक एकांतवादियों का मार्ग है अनेकांतवादी अनेकांत तो वह है जिसने सम्यक एकांत स्वरूप भगवान आत्मा को देख लिया है इसलिए यह कहा कि इस मामले में थोड़ा दृढ़ हो जाना एकांतवादी हो जाना कैसे एकांतवादी होना देह है ही नहीं देह है ही नहीं उसमें भी नास्ती का विकल्प होगा इसलिए अंततः ज्ञान ही ज्ञान है ज्ञान ही ज्ञान है ज्ञान ही ज्ञान है।, है मैं तो तुमसे कमरे में चलने के लिए कहता हूं मगर जब तुम्हें कमरे में चलना भी ना हो और बिस्तर पर सिर्फ लेट हो तब फिर वहां पर पैर की भी जरूरत नहीं और गाड़ी की भी जरूरत नहीं उस स्थिरता का अनुभव करो कि जो ज्ञान है वह ज्ञान जब ज्ञान में स्थिर हो जाता है ज्ञान के बिस्तर पर ज्ञान ही जब विश्राम करता है और उस समय ये इंद्रियों के परमाणु ये विकल्प जो जड़ विकल्प वह जड़ विकल्प रूपी ये पैर जो खींच करके जो चलाते हैं यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं वह विकल्प ही वहाँ नहीं रहते मगर खास जागृति कि विश्राम हो रहा हो आराम हो रहा हो उस समय चंचलता न हो उस समय एकाग्रता उस समय स्थिरता ऐसी हो उस समय निर्विकल्प हो यही निर्विकल्प ज्ञान का स्वरूप है जिस निर्विकल्प ज्ञान से इस देह के परमाणुओं से बिल्कुल फासला तुम्हें दिखाई देता है जब विकल्प होता है तो विकल्प होते ही इन परमाणुओं से फिर फासला दिखाई देता है फिर तुम्हारा हाथ उठता है तुम वस्तु को लेते हो हाथ उठता है मगर अंतर में अनुभूति जो है उस अनुभूति में उन परमाणुओं का वेदन नहीं होता है उन परमाणुओं का वेदन नहीं होता कि गरम गरम आग में भी हाथ लग जाए तो भी तुम अग्नि का वेदन नहीं करते तुम ज्ञान का वेदन करते हो क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है आत्मा का स्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता ये स्वभाव ही ऐसा है कि ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ सके और कोई भी नहीं इस स्वभाव की जागृति इस स्वभाव की समझ यही धर्म है तब तू बैठा है तब तो लेटा है तब तो चलता है मगर तू नहीं बैठा तू नहीं लेटा और तू नहीं चलता क्योंकि स्थिर तत्व में एकत्व होते ही अक्रिय हो जाता है अक्रिय तत्व में एकत्व होते ही निष्क्रिय हो जाता है भगवान आत्मा निष्क्रिय है यह जानना 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 ये क्रिया नहीं है ये क्रिया है मगर उन क्रियाओं के पीछे जो तत्व है वह निष्क्रिय तत्व है उस निष्क्रिय तत्व को ही मुख्य करके प्रवचन सार में ज्ञानियों ने कहा है निष्क्रिय तत्व निष्क्रियत्व नाम की एक भगवान आत्मा में शक्ति है वह कुछ भी नहीं करता निष्क्रिय है जहां क्रिया नहीं है इसलिए जानन 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 क्रिया में भी तो रस न लेकर के उदासीन होना वरना ध्रुवता दृष्टि में आएगी ही नहीं ऐसी ध्रुवता दृष्टि में आए ऐसा सत्ता स्वरूप ज्ञान दृष्टि में आए कि इस देह के अनंत परमाणु पर वहां ध्यान न जाए पर जाता ही नहीं है इस देह के अनंत परमाणुओं पर ध्यान तब जाए जब ज्ञान की अनुभूति के बाद में बीच में एक अवकाश मिलता हो अवसर मिलता हो समय ही नहीं मिलता ये मस्ती है ये न्यायक 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 की मस्ती है इसलिए तो ये मस्तानों का मार्ग है इसलिए मैं जुआरी और शराबियों से कभी नहीं कहता कि तुम जुआ खेलना बंद करो तुम शराब पीना बंद करो मैं सिर्फ उसे ऐसी शराब देना चाहता हूं कि वह शराब पीने के बाद में उसे ये अंगूर का रस पीने का मन ही ना हो उसे जव का पानी पीने का रस ही न हो वह वाइन भी न पीना चाहे वह बियर भी न पीना चाहे वह फिर एकमात्र वह अमृत रस ऐसा चख लिया है अमृत कहते हैं अमृत का पान करना और वह रस पान जहां हुआ जैसे शराब को कोई पीता हो तो प्याली को कौन देखता है ऐसे ही जब तु उस ज्ञान के रस को पीता हो तो देह की प्याली तेरी नजर में न आएगी तो उससे अलग हो गया इसलिए आध्यात्मिक क्रांति के लिए वही तो द्रव्य दृष्टि है वही तो द्रव्य दृष्टि ही हर किसी के समझ में क्यों नहीं आता आश्चर्य होता है ज्ञान दीपक शराबी जुआरी यह नाम सुनते ही हमारे मन में हमारे भीतर उनके प्रति ये धारणा क्यों बंद जाती है पापी ही नीचे उनसे ऊंचा में अलग अलग प्रकार के तारणा क्यों बन जाती है यही तो संसार है और यही तो मिथ्यात्व है यही तो तारणा ही तो फटकाती है जिसने पाया है वहां तारणा नहीं बनती हम किताबों तक ही अटक के रह जाते हैं कागज के पन्नों तक ही रह जाते हैं पढ़ने में मीठा लगता है अच्छा लगता है मन थोड़ी देर के लिए तृप्त होता है थोड़ा कुछ अलग लगता है पढ़ने में मजा आता है सुनने में मजा आता है पढ़ने में मजा आता है दो चारण रिते मुनिराजों ने मांस खाते हुए शेर को उपदेश दिया उसे नीचा न देखा पढ़ा बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा मगर तुम जरा कल्पना करो मेरी नजर के सामने अभी एक व्यक्ति मुर्गे को खा रहा है मछली को खा रहा है और मैं उसके पास में जाकर के यदि ये, ये आत्म सिद्धि शास्त्र का बोध तू ये तुमसे पचेगा नहीं ये इसलिए न पचेगा क्योंकि आंखों के सामने देखने की आदत नहीं है किताबों के पन्ने को पलटने का रस इतना हो गया है और उसी में ही धर्म मान लिया धर्म उसका नाम है प्रयोग धर्म उसका नाम है नजर के सामने पापी आए मगर दृष्टि के सामने पापी नहीं आता इसलिए नजर नहीं बदली है नजर या बदल गया है इसलिए दृश्य नहीं बदला दृष्टि बदल गई है और इस दृष्टि का नाम ही धर्म है हे ज्ञान दीपक जब ये न्यायक देव अंतर में अनुभव में आता है तब फिर तू जहां देखेगा वहां परमात्मा ही परमात्मा दिखता है वहां परमात्मा ही परमात्मा दिखता है बस ऐसी परमात्मा दृष्टि ऐसी परमात्मा दृष्टि बस कि जहां पर वह भाव ही न आए वह भाव ही न आए ऐसी साद 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 सहजता यह सहजता यह सहजता में धर्म है नजर के सामने जब कोई जीव आया वह यहां आंखों के सामने क्यों आया है आंखों के सामने इसलिए आया क्योंकि वह पाप से भरा हुआ है वह संसारी है देह के साथ में अभी वह बंधा हुआ है नहीं तो आंखों के सामने आता ही क्यों संसार में रहता है आंखों के सामने आया है। नहीं तो सिद्धशिला पर बैठा होता क्या नहीं लगता कि मेरे में नहीं है सम्यक दृष्टि को जिस समय यह शुद्ध ज्ञायक देव अनुभव में आया जरा विचार करो जब चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ उस समय उस चौथे गुणस्थान में जब आत्मा में राग और द्वेष के भाव तो भरे ही थे भरे थे भरपूर थे क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी अभाव नहीं हुआ था मिथ्या दृष्टि है करण लब्धि में प्रवेश किया करण लब्धि में प्रवेश करके वहां पर भी मिथ्यात्व का भाव अभी है अंतर मुहूर्त में वह जो अपूर्व साधना होगी वह साधना निराली होगी इसलिए क्योंकि चार लब्धि तक पहुंच गया एक पांचवी जो करण लब्धि थी वह करण लब्धि तक नहीं पहुंचा था अब वह करण लब्धि तक पहुंचा मगर वहां मिथ्यात्व है वहां अनंत अनुबंधी मान माया लोभ है विकृति है और जिस समय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ चार बजे तो चार बजे जब अनुभव हुआ तो उस चार बजे के काल में जो कचरा आत्मा में भरा हुआ था उस कचरे के होने पर भी वह करण लब्धि में कचरा भरा पड़ा है मिथ्यात्व है अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ है फिर भी उस काल में वह क्या मानता है मैं शुद्ध चैतन्य क्या प्रयोग करता है मैं शुद्ध चैतन्य मैं शुद्ध चैतन्य मैं शुद्ध चैतन्य और क्या हुआ सम्यक दर्शन पाया अशुद्धता तो थी और शुद्धता का चिंतन करने पर सम्यक दर्शन पाया अशुद्धता को इग्नोर कर दिया और शुद्धता को मुख्य किया और सम्यक दर्शन पाया मैं आपसे ये कहता हूं पाप छूटने के बाद में पाप से न्यारा नहीं देखना है पाप होने पर भी पाप से न्यारा जो देख सके वही ज्ञानी पाप सिद्ध परमात्मा को तो सिद्ध के रूप में कोई भी देख लेता है पत्थर की मूर्तियों में अरिहंत की कल्पना तो कोई भी कर लेता है मगर मांस की चमड़े की हड्डियों की बनी हुई ये मूर्तियां उस मूर्ति में एकमात्र न्यायक देव और चैतन्य को देखना बस वही धर्म का मर्म है वही धर्म का मर्म है रास्ते पर यहाँ पर देखो स्विट्ज़रलैंड में रास्ते पर तुम देखो सौ में से पिचानवे लोग ऐसे तुम्हें रास्ते पर चलते हुए मिलेंगे जिनके हाथों में सिगरेट है सौ में से पिंचानवे लड़का हो लड़की हो सब सिगरेट पीते हैं बीड़ी पीते हैं धुआं छोड़ते हैं ऐसे पापी कितने नशे में चकचूर है नशे में चकचोर है यह मार्ग उन्हीं का मार्ग है वो मस्ताने है यदि उनकी दिशा बदल जाए बस तो जितनी दृढ़ता और जितना संकल्प था वह संकल्प हो ओ, 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 वह संकल्प बदल गया तो अंतर में डुबकी लग गई हे ज्ञान दीपक मैं जानता हूं पंडित पुरोहित मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे मैं उनके लिए निंदा का पात्र हो जाऊंगा मगर मैं स्वयं के अनुभव से तुमसे कहता हूं यदि उन्हें एक पल के लिए भी एकमात्र परमात्मा दृष्टि से इन जीवों को देखो वह तभी देख सकोगे यदि तुम्हें यहाँ पर ज्ञान अनुभव में आता हो वरना नहीं हो सकता वरना यह संभव नहीं है क्योंकि जो उनकी जो शराब की उनकी जो सिगरेट की लत है उस लत की वजह से ही कभी वह दिन आएगा जब उसे चैतन्य की लत भी लग जाएगी लगेगी क्योंकि दिशा बदल जाएगी बदल जाएगी क्योंकि पाना है पाना है पाना है ये जो साहस है वही उसकी आध्यात्मिक क्रांति का कारण बन जाएगा जैसे शेर हिरण का शिकार करने गया महावीर भगवान हिरण का शिकार करने के लिए उस शेर की अवस्था में गए तुम जरा विचार करो हिरण सामने से तो आया नहीं होगा ने कि आजा शेर मुझे खा जा शेर भागा होगा ने पकड़ने के लिए भागा होगा पीछा किया होगा दूर दूर गया होगा शेर ने संकल्प किया होगा दृढ़ निश्चय किया होगा हिरण को पकड़ करके ही उसे रहूंगा हिरण को पकड़ करके उसे खाऊंगा दृढ़ निश्चय करके ही वह शेर गया कोई भी जानवर किसी को पकड़ता है मारने के लिए तो वह निश्चय करके ही पकड़ में आए तो ठीक है ना आए तो ठीक है दो बात थी निश्चय दृढ़ था शेर का पेट खाली था खाली पेट था भूख लगी थी बहुत तमन्ना थी भरा हुआ पेट हो तो शेर शिकार नहीं करता भरा हुआ पेट हो तो शेर कभी शिकार नहीं करता एक मनुष्य ही है जो भरपेट खाना पीना खा करके जंगल में शिकार करने निकलता है शेर से भी बदतर मनुष्य है पहले के जमाने में राजा शिकार करने निकलते थे ने खाना खा करके शिकार करने निकलते थे और शेर ही है जो मांस खाता है इतना बड़ा पापी नहीं है मनुष्य तो मांस भी खाता है और शराब भी पीता है कोई भी जानवर शराब नहीं शराब नहीं पीता एक मनुष्य ही है कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध छीनने के लिए नहीं चाहता एक मनुष्य ही है दूसरे जानवरों का दूध छीनने चाहता। मगर फिर भी ये क्षम्य है सभी अपराध क्षम्य है सभी अपराध क्षम्य है सब नशे क्षम्य है इसलिए तो परमात्मा की करुणा उनके प्रति इतनी इतनी अनहद करुणा है यदि वही हो वहीं पर ही मुनि रुक जाते इसके मुंह में मांस है इसे मैं बोध कैसे दू वहीं पर ही यदि वे रुक जाते तो आज ये महावीर भगवान का शासन कैसे चलता मैं नहीं कहता कि वो बोध नहीं देते यदि नहीं देते तो क्या होता ये कहना नहीं चाहता मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं क्रमबद्ध में सुनिश्चित था मगर तुमसे ये कहता हूं कि एक छोटी सी घटना भी एक भविष्य में एक तीर्थ की स्थापना का कारण कैसी बन जाती है अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है अभी अठारह हजार पांच सौ वर्षो तक ये महावीर भगवान का शासन चलेगा तो एक घटना कि मांस खाने वाले को मांस खाने वाले के रूप में न देखा तुम भी ऐसे पापी हो मेरे यहां सामने बैठे हुए व्यक्ति कोई इतने तीर्थंकर नहीं है कोई ऐसे अरिहंत नहीं है कोई भावलिंगी साधु मुझे यहाँ सामने कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं देता पाप से भरे हुए है विकृति से भरे है कचरा पड़ा है विवाद होता है सास का बहू से बहू का सास से बाप का बेटे से बेटे का बाप से बनती नहीं है अनबन होती है सब पाप से भरे हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं मगर फिर भी उस पाप को एक और करके उस न्यायक को मुख्य कर देना बीज यहां से ही बोया जाता है आज मुनिवर राम से यही कला बताते हैं कि अब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि परमात्मा किधर है परमात्मा को ढूंढने के लिए मुझे जाना नहीं पड़ता इसलिए परमात्मा को ढूंढने मुझे जाना नहीं पड़ता क्योंकि जहां देखो वहां परमात्मा दिखाई देता है जहां देखो वहां मुझे ज्ञान ज्ञान और ज्ञान जानने में आता है मेरी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया बहुत बार हमने ऐसे अपराध किए बहुत बार अपराध किए नगर उन अपराध का फल मेरे अपराध जो नहीं थे उन अपराध की और भी मैंने दृष्टि करके मैंने दुख भोगा है मांस खाने वाला व्यक्ति अपराध कर रहा है शराब पीने वाला व्यक्ति अपराध कर रहा है ये जो अपराध करने वाले लोग हैं, ये अपराध करने वाले लोग हैं। ये किसका अपराध है ये तो उस व्यक्ति का अपराध है ना? मैं तो नहीं पीता मैं तो नहीं खाता मैं जो अपराध नहीं करता फिर भी मैं दुख क्यों भोगता हूँ देखो पापी है यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है मंदिर जाकर के भी दो हाथ परमात्मा के सामने जोड़ करके भी, तुम देखो उन पंडितों को, तुम देखो उन पुजारियों को जो धोती दुपट्टा पहन करके के बाहर आए हैं, और किसी कसाई को हाथ में चाकू लेकर के मुर्गे को काटता हुआ देखे तो क्या होता है उन्हें स्वाभाविक है कसाई के प्रति ये भाव आएगा ना क्योंकि पंडित है शास्त्र पढ़े है आत्मा को नहीं पढ़ा है वह जो शुद्ध और सोचने के बाद में तो हर किसी को हो जाता है दो दिन के बाद में कोई सोचे कि अरे जाने दो क्या हो गया यहां तो ये यह कहते हैं तत्समय तत्क्षण जैसे ही दृश्य आंख के सामने दिखाई दिया और उसी समय ज्ञान और मैं भी ज्ञान मात्र वह भी ज्ञान मात्र ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है क्योंकि वह फैलता नहीं है जो अपराध दूसरों के होते हैं, उस अपराध की वजह से मैं उसका फल क्यों भोगू सिर्फ जानने में आया है इस वजह से जानने में आया इस वजह से तो तो केवली भगवान को लोकालोक जानने में आता है ऐसे जीवों को लोकालोक जानने में नहीं आता ऐसे जीव भगवान नहीं हो पाते भगवान वह हो पाते हैं जो यहाँ छोटी मोटी जो घटना होती है यहां जो छोटे-मोटे पाप होते हैं, उन पापों को देखते हुए भी दृष्टि में परमात्मा को और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कर सकते हो यहाँ जो छोटी छोटी घटना है उसमें जो पार हो सकते हैं वह उस केवल ज्ञान तक पहुंचते उन्हें अधिकार मिलता है लोकालोक को जानने का कि ठीक है तू परिपक्व हो गया है तो यहां जो कुछ भी अब जानता है उस जानने में अब तो संयमित हो गया इसलिए अब तुझे कोई भी ज्ञी को जानने की छूट है सभी जीवों के प्रति परमात्मा दृष्टि तब आ सकती है तभी आ सकती है जब यह बोध हो तीर्थंकर परमात्मा की देशना चारों गतियों के जीव के लिए है मगर समोसरण में तीन गति के जीव आते हैं ऐसा नहीं है कि नारकी को आने का मना किया है समोसरण में नारकी को आने का मना नहीं किया नारकी आता नहीं है इसलिए प्यासा रह जाता है तीर्थंकर भगवान की वह जो पूर्व भव, पूर्व भव की जो निष्कारण करुणा थी जो वात्सल्य था जो प्रभावना थी जो प्रवचन थे जो षोडश कारण भावना थी उन भावनाओं के कारण जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी उसमें कमी नहीं थी सीधी तरह से वाणी नहीं पहुंचती डायरेक्ट नहीं पहुंचती तो इनडायरेक्ट पहुंच जाती है सीधी वाणी नहीं पहुंचती प्रत्यक्ष न पहुंचे मगर परोक्ष पहुंच जाती है और परोक्ष भी पहुंचे तो भी बहुत है प्रत्यक्ष न पहुंचे और परोक्ष पहुंचे तो भी बहुत है रावण के पास में राम की दिव्य ध्वनि कहा मगर सीता ने सुनी हुई जो वाणी थी वह सीता स्वर्ग में अभी वर्तमान में है और स्वर्ग में से जो देव के रूप में है स्वर्ग का देव सीता अभी नरक में जा करके रावण और लक्ष्मण को बोध देते हैं वह नरक में जाकर के वहां तीर्थंकर भगवान की वाणी ही नरक में पहुंच गई भगवान सिद्धे न गए वे भगवान के पास में सिद्धे न आए मगर कैसे भी करके वाणी पहुंच गई परमात्मा की करुणा इतनी अनहद करुणा है कि सभी जीवों के लिए ये बोध है आज ये प्रक्रिया समझना है जहा मैं देखो दसों दिशाओं में मैं देखो तो ज्ञान जानने में आता है अब मेरी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया समस्त ज्ञे 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 ज्ञ उसमें ज्ञान जानने में आता है इसलिए अब मेरी शंका नहीं रही शंका नहीं रही कहा है भगवान मैं ढूंढता हूँ भगवान को ये सब बेईमान लोग है ये बेईमान लोग है जो कहते हैं भगवान वहां पर मंदिर में है महावीर जिनालय में महावीर भगवान है ये कहने वाले बेईमान लोग हैं उन्होंने देखा ही नहीं है भगवान को सत्य कहता हूं उन्होंने भगवान को नहीं देखा मूर्ति को देखा है उसने भगवान की कल्पना की है कल्पना तो मूर्ति में करो पत्थर की मूर्ति में करो धातु की मूर्ति में करो कल्पना करने में कौन मना करता है कल्पना तो कैसे भी करे कल्पना में कहा लगाम होती है हम बैठे बैठे न जाने कहाँ की कल्पना करते हैं कल्पना लोग में घूमने के लिए पासपोर्ट टिकट और वीजा नहीं चाहिए ऐसे ही मुफ्त में यात्रा हो सकती है कल्पना के लोक में मंदिर जाकर के कल्पना में महावीर भगवान को देखा है एक बार सच्चे ज्ञान में सम्यक ज्ञान में महावीर भगवान को जानना हो जाए वह जो जानना है वह जानना ज्ञानियों का होता है और उन ज्ञानियों के लिए अब मंदिर हो मंदिर के भीतर हो या मंदिर के बाहर हो उनके लिए वही दिखाई देता है क्या कभी तुम्हें यह दिखाई दिया है मंदिर के भीतर परमात्मा दिखाई दिया और मंदिर से बाहर लौटते समय वहां पर सीढ़ियों पर बैठा हुआ भिखारी उसमें भी वही परमात्मा वही चैतन्य ऐसा दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया क्या कभी ये भाव आया दो हाथ है दो पैर है काम क्यों नहीं करता अंधा है तो भी कह दिया कि जेब में रुपये नहीं जब मैं रुपये थे तो भी दिया नहीं। दिया तो तभी तब दिया कि कोई रिश्तेदार साथ में था उसके सामने इज्जत बचानी थी मगर वो जो दृष्टि की यह चैतन्य परमात्मा यह दृष्टि कुछ ही विरले को प्रकट होती है बस ऐसे विरले फिर यहां पर नहीं रहते फिर अंदर का इतना 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 कोलन होता है अंदर ही अंदर यह कोलन होता है दही को बलोता है ने दही को बलोया तो छाछ और छाछ को बलोने पर फिर मक्खन जैसे वो बलोना 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 ऐसे ही ये जो घोलन होता है छाछ ना छाछ पची जो थाने घोड़ वो के वह ऐसे ही अंदर बलोता जाता है ऐसे ही अंदर बलोता जाता है कि फिर वह दृढ़ता इतनी होती है कि सहज ही ग्रहस दशा से छुट करके वह मुनि हो जाता है वह वन विहारी संत होता वह चिंतन वह तारा उसे वहां तक ले जाती है इसलिए ज्ञानी दशा में जो दिखाई देते हैं, विचरे उदय प्रयोग वह दृष्टि ऐसी हुई यदि तुमसे आज ये न हो सके तो मना करना कि अभी नहीं हो रहा है नहीं हो पा रहा है मगर ये मत कहना कि ऐसा नहीं होता है प्रति समय जागृति प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि प्रकट हो प्रत्येक ज्ञान में ज्ञान ज्ञान और ज्ञान की अनुभूति हो बस विशेषों में जाने से लाभ क्या है सामान्य 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 एकमात्र ज्ञान 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 वही तो है उसी रूप को देखना उसी रूप को देखना उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता इस यह बात है यह बात है किनारे पर बबूल के पेड़ है किनारे पर आम के भी पेड़ है किनारे पर नारियल के भी पेड़ है तरह तरह के पेड़ किनारे पर है जब पानी बहता है मैं तुम्हें कहता हूं सामान्य का पाव पानी जब बहता है तब तो बहता हुआ पानी जब बबूल के पेड़ के पास से गुजरा है तो बबूल का पेड़ किनारे पर रहा न फिर पानी आगे बहा फिर वहां आम का पेड़ हो तो भी किनारे पर रहा न फिर आगे नारियल का पेड़ है तो भी किनारे पर रहा न और यहाँ पर पानी का जो शीतल स्वभाव शीतल स्वभाव शीतल स्वभाव ठंडा पानी ही बह रहा है ने पानी गरम नहीं हुआ ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया ने तो इस प्रकार से प्रयोग कर तेरा कनेक्शन मिलेगा मैं तुझे जहां लेकर जाना चाहता हूँ तू तू आजा मेरे पास मैं तुझे हाथ देता हूँ तो आजा मेरे पास मैं जो तुझसे कहता हूँ तो आजा मेरे पास मैं तो तुझसे कहता हूं कि ये जो पानी 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 ये किनारे पर ये वृक्ष 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 इस पानी में मात्र शीतलता 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 जब वह पानी बबूल के पेड़ के पास था तब गरम था। आम के पेड़ के पास आया तो ठंडा हो गया और नारियल के पेड़ के पास में आया तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया ऐसा तो नहीं होता वह पानी मात्र बह रहा है ऐसे ही तू भले ये कोई भी जानने में आते हो ये कोई भी जानने में आते हो मगर उपयोग को सूक्ष्म करके इसी को अनुभव कर ये अनुभव ये स्पर्शना से होगा ये कि जब नारियल के जब आम के जब बबूल के इन पेड़ के पास से गुजरेगा वे किनारे पर रह गए मगर उस समय तुझे क्या करना है पानी को छूना पानी को छूना पानी को छूना जब तू तो पानी को छूता है वह तेरा अनुभव है और उस अनुभव के बल पर तो कहता है कि पानी वृक्षों से अप्रभावित रहता है वो छूना जो है वह तेरा प्रमाण बन जाता है कागज में पढ़कर के नहीं होगा ये ये वाणी सुनकर के नहीं होगा यहां पर कहीं लिखा है पानी ठंडा होता है उससे पानी का क्या पता चलेगा किसी से सुना पानी ठंडा होता है उससे पानी का क्या पता चलेगा पानी किसी भी अवस्था में ठंडा रहता है उसका पता कैसे चलेगा जब वहां छुआ तो छूता हुआ व्यक्ति उस पानी में ही डुबकी लगा करके उस पानी में ही डुबकी कर उसे छूता हुआ ऐसे ही ये ज्ञान की स्पर्शना कर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति कर कि यह निराकुल जानन 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 धारा है मात्र जानना ये सामान्य ज्ञान ये सामान्य अर्थात प्रतिबिंब की बात नहीं है और अखंड है में खंड नहीं पड़ा प्रवाह भी है और प्रवाह होने पर भी अखंड है तो जानन 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 तारा ये तारा ये बह रही है मन पर्याय उत्पन्न होती है ना उत्पन्न हुई फिर दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई तीसरी पर्याय उत्पन्न हुई उत्पाद वी उत्पाद भी ये, है। ये नया 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 मगर उसमें एक अखंडिकता रहती है उस अखंडिकता का नाम ज्ञान सत्ता और इस ज्ञान सत्ता का स्वभाव क्या है मात्र शीतलता बहना नहीं मात्र शीतलता बहने में तो फिर नया नयापन है मैंने में तो पर्याय का उत्पाद व्ययी है और मात्र सत्ता वह जो टीका हुआ जो रूप है इस टीके हुए रूप में इस टीके हुई सत्ता का जो आश्रय करता है एक समय की ऐसी स्पर्शना जो होती है बस वह स्पर्शना की महिमा है राग और द्वेष के भाव उस पर इतना जोर मत देना ये जो स्पर्शना है ये ज्ञान की अनुभूति ये ये निराली है ये महिमा है ये महिमा है इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं बाहर के मंदिर तीर्थ सत्संग शास्त्र स्वाध्याय ये सब तुम करते हो यह सब यात्रा तुम्हारी होती है मगर सब यात्रा अधूरी होगी सब यात्रा अधूरी यही पर ही अपने में ही अपने में ही अपने में, पूरी तरह से इस देह के परमाणुओं से तू गैर हाजिर हो जाएगा देखो मुनिवर राम सिंह इस पाहुड़ दोहा में आज एक सौ पचहत्तरवे दोहे में क्या कहते हैं अद्भुत ज्ञान का अनुभव बस उस नशे में लेकर के जाते हैं ये नशा है चैतन्य का नशा है नशा करने जैसा है मैं सबसे यही कहता हूं नशा करने जैसा है और यदि मैं कहता न तो तुम्हें तकलीफ भी होती मैं यदि कहता तो तुम्हें तकलीफ होती मगर जब मैं तुमसे कहूं ने, कि तुमने गुरुदेव को माना है ने, और गुरुदेव के पट्ट शिष्य को माना है ने, नेहाल चंद जी सोगानी के प्रति तुम्हारा अहोभाव है ने? ये नहाल चंद जी सोगानी ये महिमा गाते थे वे नशा करने को कहते थे नेहल चंद जी सोगानी नशा करने को कहते नशा हो जाए अभी दम दोहा में देखो यहां पर पढ़ते हैं वहां पर नशा हो जाए मैं सोगानी जी के ये कुछ उनके ही बोल है मैं आपसे आपके सामने पढ़ता हूँ ये दो बोल 406 नंबर का द्रव्य दृष्टि प्रकाश में 406 नंबर और 407 नंबर इसको मैं पढ़ता हूँ और फिर तुम विचार करना 406 में लिखा है दृष्टि का नशा चढ़ जाए तो बारंबार अंतर में ही वलण होता है बाहर में कुछ रुचता ही नहीं दृष्टि का नशा ये नशा है वही 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 दिखता है यह नशा है अब यह सुनकर के भाविक है ये प्रश्न होगा तो प्रश्न किया है फिर प्रश्न 407 नंबर के बोल में प्रश्न है तो क्या नशे की माफिक दृष्टि का स्वरूप है अन्य कुछ देखते ही नहीं उत्तर हा दृष्टि का नशा ही ऐसा है अन्य कुछ देखते ही नहीं है एक अपनी और ही दौड़ती है इसलिए तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को बाहर में चर्चा आदि में रुकना रुचता ही नहीं वह तो अंदर ही अंदर जाना चाहता है देखो कितनी अद्भुत बात है ये नेहाल चंद जी सोगानी जी के वचन ये भी तुम्हें मनाने के लिए ये पढ़ने पड़ते सीधा मैं नशा करने को बोलता तो तुम्हें लगता कि बस आज का सत्संग आखिरी सत्संग मैं तुम्हें ऐसे बहुत वचन दूंगा अभी पाहुड़ दोहा पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा ये पंडितों को खास पढ़ना चाहिए जो शब्द के आग्रह में अटके हुए हैं ये देखो आज अभी एक सौ पिचहत्तरवा दोहा पढ़ते हैं गईम पछ दिहिम जहीम जो तामहु तोई भंतड़ी अवसून पूछई कोई आगे पीछे दसो दिशाओं में जहां मैं देखूं वहां सर्वत्र वही है बस अब मेरी भ्रांति मिट गई अन्य किसी से पूछने का न रहा यह प्राप्ति है भगवान आगे पीछे दसों दिशा में जहां देखू वही दिखाई देता है ये नशा है वही दिखाई देता है गाना सुना है ना? नशा ये प्यार का नशा हमारे गुरु जी हमसे कहते थे एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया और दोनों की परीक्षा आ रही थी नजदीक दोनों के माता पिता को पता चल गया कि ये प्रेम में प्रेम के नशे में बिल्कुल चकचूर है पागल हो गए हैं मगर ये ऐसे ही रोज मिलते रहेंगे अपना समय बर्बाद करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे इसलिए दोनों के माता पिता ने सोचा कि शादी तो ये करेंगे ही करेंगे मगर परीक्षा में फेल ना हो जाए इसके लिए काम करते हैं दोनों को बुला करके कह देते हैं जब तक परीक्षा पूरी नहीं होगी तब तक तुम एक दूसरे से न मिलोगे पढ़ाई करोगे और उसके बाद शादी करा देंगे दोनों को बुलाया बिठाया कहा ये देखो हमें पता चल गया है कि तुम प्रेम के नशे में हो मगर तुम्हें एक दूसरे को परीक्षा जब तक पूरी नहीं होगी तब तो तक मिलना नहीं दोनों ने एक दूसरे से बात की लड़का लड़की से कहता है क्या करना है लड़की ने कहा चलो जाने दो नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं वैसे भी शादी हो जाएगी लड़का कहता है नहीं नहीं मैं मिले बिना रह नहीं पाऊंगा बोले नहीं सिर्फ दो महीने की तो बात है परीक्षा पूरी होने के बाद में फिर शादी हो जाएगी ठीक है दोनों ने कह दिया माता पिता को कि मंजूर है मगर माता पिता ने कहा कि दोनों एक दूसरे के चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे फोन भी नहीं करेंगे दो महीने तक नो एनी कम्युनिकेशन ये तो और कठिन हो गया लड़का और लड़की दोनों फिर बात कर रहे क्या करना चाहिए बोले ठीक है कोई बात नहीं दो महीने बाद तो शादी होने ही वाली फिर लड़का और लड़की ने माँ बाप ने फिर बुलाया और कहा देखो दो महीने तक तुम एक दूसरे से बात तो नहीं करोगे फोन भी नहीं करोगे चिट्ठी भी नहीं लिखोगे दो महीने तक जब तक परीक्षा पूरी नहीं होती एक दूसरे को याद भी नहीं करोगे दोनों खड़े हो गए लड़का और लड़की कि हमें नहीं करनी शादी तुम्हारे द्वारा हम अकेले कर लेंगे भाग करके तुम कैसी बातें कर रहे हो जिसको तुम प्रेम करते हो उसको तुम कहते हो याद भी नहीं करना ये हो ही कैसे सकता है ये प्यार का नशा है इसलिए कहता हूं नशा ये प्यार का नशा याद आए बिना रहता ही नहीं वही दिखता है वही दिखता है वही दिखता है, वही दिखता है। मुनि व राम से कहते हैं कि जहां ये तुझे अनुभूति हुई ज्ञान की अनुभूति हुई अब दसो दिशा में जहां देखो वहां वही दिखता है अब किसी से मुझे पूछना नहीं पड़ता कि परमात्मा जहां मेरी नजर घूमती है वहां पर मैं तुझे ही देखता हूं तुझे ही देखता हूं तुझे ही देखता हो ज्ञान 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 और यही तो परमात्मा है परमात्मा राग मात्र नहीं है परमात्मा ज्ञान मात्र है दीपक इसका ऐसा नशा ये नशा चढ़ना चाहिए। है। इसे बार बार, बार 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 ये तत्व विचार और चिंतन कर तो कहता है मैं करता तो हूं दिन में पंद्रह मिनट के लिए चार बार ध्यान तो करता हूं प्रयोग तो करता हूं तत्व विचार करता हूं उससे कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा कल की सत्य घटना है और यह घटना कैमरे में कैद हो गई मैं आपको भेजूंगा मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका बैंक ऐसा है कि जहां पर आप अपना दो नंबर का धन जो हो वो वहां पर बैंक में जमा कर सकते हो कोई पूछेगा नहीं कहां से आया मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो एक बैंक मुझे मिला जैसे भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है यूबीआई ऐसे ही यहां पर स्विस बैंक में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है स्विस बैंक में आप पैसा जमा कर सकते हैं मैं गया वहां पर मैंने कहा कि मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा है जमा करना है कितना है उन्होंने कहा मैंने कहा पचास पैसे स्विस बैंक में पचास पैसे जमा करने के लिए आया हूं यही पड़े हैं दो नंबर का माल है उन्होंने भगा दिया नहीं जा रहा था तो सिक्योरिटी वॉचमैन इनको बाहर निकालो एक तो भारत का वो भी पचास पैसा पचास पैसे से कुछ नहीं होता तब मुझे तुम्हारी याद आई सच कहता हूँ तुम्हारी याद आई तुम कहते हो मैं पंद्रह मिनट ध्यान तो करता हूं मैं एक घंटे का प्रवचन तो सुनता हूं अरे उससे कुछ नहीं होगा पचास पैसे स्विस बैंक में जमा करने से कुछ होता है तुम कहते हो दिन में एक बार आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ तो मैंने कर लिया कुछ होता क्यों नहीं है उससे कुछ नहीं होगा नशा ऐसे नहीं चढ़ता ये तो बार 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 यही 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 चलता रहे प्रत्येक घटना में प्रत्येक क्रिया में यही एक नशा है मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं मैं जहां देखू वहां वही दिखाई देता है वही दिखाई देता है इसलिए अब न किसी के प्रति राग होता है न किसी के प्रति द्वेष होता है जहां देखो वहां वही दिखाई देता है इसलिए इस जगत में अब न कोई अपना न कोई पराया न स्वदेश है न परदेश है ये दे ही नहीं है मुझे तो यह भाव भी आ गया था दो नंबर का माल होता है ना वो लोग स्विस बैंक में जमा करने आते हैं जब वो मुझे कह रहे थे कि जाओ यहां से बाहर निकलो जब वो कह रहे थे जाओ यहां से बाहर निकलो मैं कहा मैं यही कह रहा था मैं दो नंबर का माल छोड़ने आया हूं दो नंबर का माल उसे क्यों नहीं ले रहे हो ले लो इसे ये कम थोड़ी है अनंत है ये पचास पैसे नहीं अनंत अनंत दो नंबर का अनंत 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 तुम्हारे पास तो करोड़ों लाते होंगे अरबों लाते होंगे मिलियंस आते होंगे बिलियन आते होंगे ट्रिलियंस आते होंगे मैं अनंत लेकर के आया हूँ ये शरीर के अनंत परमाणु लेकर के आया हूँ ले लो रख लो और ये दो नंबर का ही है क्योंकि पुद्गल है छह द्रव्य में पुद्गल द्रव्य दो नंबर का है ये दो नंबर का माल है ये एक नंबर का नहीं एक नंबर का तो जीव है व्हाइट का जीव है ब्लैक का शरीर है और उन सब का शरीर गोरा गोरा है हमारा शरीर काला है तो मैंने उनको यही कहा ये ब्लैक का माल है ले लो गोरे शरीर वालों के सामने तो अपना तो काला काला शरीर ये ब्लैक का माल ही देने आया हूं मगर कौन सुने मेरी तुम इतने बरसों से सुन करके भी नहीं सुन रहे हो वो लोग क्या सुनेंगे ज्ञान दीपक नशा चढ़ाओ छोटा नशा छोड़ जाएगा तुम्हें याद ना आएगा पत्नी को कब भोगा तुम्हें याद ना आएगा खाना कब खाया तुम्हें याद ना आएगा कि खाना नाम की दुनिया में कोई चीज होती है तुम्हें याद ना आएगा और वह जीवन की मस्ती अलौकिक मस्ती है भगवान अलौकिक मस्ती है आप सभी ज्ञान दीपकों को अभी इसी समय मैंने बुलाया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रयोग यही प्रयोग करना कि नशा छोड़ना नहीं है भोगों को छोड़ना नहीं है कुछ ऐसा भोग भोग लेना है कि इन भोगों की याद ना आए बस वरना दमन हो जाएगा वरना मन मर तो जाएगा मगर फिर पैदा होगा मन की सदा काल के लिए मृत्यु नहीं होगी हमारा भी मरण तो होता है मगर कहीं फिर जन्म हो जाता है इसलिए मन को मारना नहीं है मन से मुक्त होना है मन को मारने से कुछ नहीं होगा नहीं ये मन का जन्म होगा मन से पार हो जाना है जहां मन ही न रहे। आप सभी इसी के प्रयोग से बस सभी के प्रति द्रव्य दृष्टि सभी के प्रति द्रव्य दृष्टि किसी को नीचा न देखना पापी के रूप में न देखना और बस जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं उसका प्रयोग करेंगे भगवान आप सभी का समय हो गया अहो अहो श्री सदगुरु का समय हो गया एक चौबीस हो गई होगी आपके वहां एक बजकर चौबीस मिनट एक सौ चौबीसवीं गाथा का समय हो गया आपने बिल्कुल ही दोपहर के भोजन के समय को एडजस्ट करके भोजन के समय पर भी आपने ये सत्संग को सुनने के लिए आए मुझे सत्संग करने का अवसर दिया आप परमात्माओं का ऋणी हो आप समझ परमात्माओं को बहुत ही निकट काल में जल्दी से जल्दी मिलता हूं प्रणाम चैतन्य 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 आहो, आहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार इस पामर पर प्रभु किया आहो